आदर्श युवा विधायक पुरस्कार, और इसके लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगी जो इस पुरस्कार से पुरस्कृत होने जा रहे हैं, शिपानी तरम जो कि एमएलए हैं भाजपा के, आप अरुणाचल से आते हैं, आज उन्हें आदर्श विधायक पुरस्कार से यहाँ नवाजा जाएगा। आपकी तालियों के बीच उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए। शिपानी तरम कोलोरियांग से भाजपा के एमएलए युवा नेता, जिन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया, और आपकी तालियों के बीच यहाँ इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय श्री केएस स्वामी गौड़ जी और हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा। आपकी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे इस युवा विधायक का। पंद्रह हजार छात्र छात्राओं से भरे इस विशाल प्रांगण का नजारा पुणे के विश्व शांति विश्वविद्यालय का है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ इसके प्रमुख हैं, जो यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को के मानवाधिकार, लोकतंत्र और शांति पीठ के चेयरमैन भी हैं। पुणे की ये प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हर साल छात्र संसद का आयोजन करती है, जिसका आठवां अधिवेशन रविवार को समाप्त हुआ। यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी रिसर्च और लोगों के इनपुट के बाद देश के आदर्श विधायक का पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के कोलोरियांग से एमएलए पानीताराम को दिया। 15,000 छात्रों और मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी की मौजूदगी में ताराम को यह अवार्ड तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर के स्वामी गौड़ ने दिया। इस मौके पर पानीताराम ने यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आधार पर उन्हें बेस्ट एमएलए के रूप में चुनने के लिए शुक्रिया अदा किया और युवाओं को संदेश दिया कि वो देश के लिए काम करें। युवा हमारा देश के लिए क्या कर सकता है? युवा अपने जिम्मेदारी को अपने समझे, ताकि वो देश के लिए क्या करना चाहे, क्या करे। देश के लिए युवा ही एक शक्तिशाली एक व्यक्ति होते हैं। युवा के बिना देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए एक है कि युवा जो है अपना जिम्मेदारी समझकर आपको अपना देश के लिए क्या करना है। जितना भी जो इलिटरेसी है इसको आप इरेडिकेट करना है, पॉवर्टी को मिटाना है, लोन अदर सिचुएशन को आपको संभालना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपको मेहनत करना है देश के लिए, आपको मेहनत करना है। आप देश की भविष्य है, आप देश की कल है, और आपके ऊपर में हमारा ये उम्मीद है। जय हिंद। ताराम ने कार्यक्रम के बाद हमसे बात करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने युवाओं को साथ लिया, जिसकी बदौलत न सिर्फ उनके क्षेत्र का विकास हुआ बल्कि युवाओं के लिए भी प्रगति के रास्ते खुले। देखिए, ये राष्ट्र जो भारतीय छात्र संसद, इन लोगों ने पूरा देश में ये छानबीन किया, कौन सा एमएलए क्या काम किया, अच्छा काम किया। तो मेरा काम को देखकर इन लोगों ने मुझे ये पुरस्कार दिया गया 2017 का आइडल एमएलए ऑफ 2017, और मुझे बहुत खुशी हुआ ये पुरस्कार को रिसीव करके। देखिए, जितना भी जो डेवलपमेंट काम है वो युवा के बिना तो होता नहीं, तो क्योंकि युवा से जो नया नया आइडिया जो मिलता है उसको लेकर मैं हमारा वहाँ का जितना भी जो यूथ से उनको आगे ले जाकर कई क्षेत्रों में मैंने विकास कराया, और यूथ के लिए काफ़ी मैं अभी काम कर रहा हूँ यूथ को आगे ले जाने के लिए। देखिए, ऐसे ये युवा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा युवा जो है 40% पॉपुलेशन है इंडिया में। तो इसलिए मैं दो हिस्से से बताना चाहूँगा। एक है कि हमारा हम युवा के लिए क्या करना है हमें, और युवा देश के लिए क्या करना है। खासकर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो युवा है उनको राजनीतिक में और सामाजिक रूप में हमें उसको शामिल करना है, एक्टिवली रोल लेने देना चाहिए, ताकि वो नए आइडिया के साथ देश के लिए काम कर सके। और उनके जितने भी जो ओपिनियन है, जो पॉजिटिव ओपिनियन है, उसे हम उसको पॉजिटिव उसको हम एक्सेप्ट करें, और हमारा पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी फ्रेमिंग में उसको हम शामिल करें, ताकि नया कानून बन सके और यूथ उसी आधार पर काम कर सके।
और यूथ को एक हमारा देश के लिए, क्योंकि हमारा देश का एक बहुत प्रॉब्लम है, इसको करना है, जैसे कि इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, उनको इरेडिकेट करना है और लोन और का जितना भी समस्या है उनको भी सुधारना है, तभी हमारा देश जो आगे जा सकता है। ये जो यूथ, हम यूथ के लिए काम हमें करना है और यूथ भी देश के लिए ही करना है। और यूथ जो है एक हो सकता है कि जो खास करके जो सोशल एविल प्रैक्टिसेस है जो देश में है, हर समाज में है, हर जाति में है, वो जो जितना भी इविल प्रैक्टिसेस को उसको इराडिकेट करने में सरकार को मदद करना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये भारतीय छात्र संसद, यहाँ पे आके मुझे बहुत खुश हुआ। काफ़ी करीबन 12,000 यहाँ युवा छात्र यहाँ पे आज जमा हुआ और बहुत से रिसोर्स, हाईली क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन आए और युवा हमारे लिए देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो बात किया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि युवा ही हमारा देश का भविष्य है और युवा को ही हम आगे ले जाना है ताकि भविष्य में वो देश को आगे ले जा सके। पिछले 8 साल से जारी इस महायोजन में देश विदेश से कई पैनलिस्ट कई विषयों पर अपनी बात कहने के लिए आते हैं। ये पहला मौका है कि अरुणाचल प्रदेश को भारतीय छात्र संसद में जगह दी गई। इस मौके पर हजारों छात्रों को संबोधित करते हुए ताराम ने कहा कि युवाओं को देश के लिए और देश को युवाओं के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं। अरुणाचल प्रदेश जिसको हम आइलैंड ऑफ पीस एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन से नाम से जाना जाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में है, बॉर्डर स्टेट है। खास करके जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां ये चाइना इंडिया बॉर्डर है, बिल्कुल इंटीरियर प्लेस है। हमारे राज भले ही काफ़ी बैकवर्ड हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि राज को विकास में लाने के लिए केंद्र की सरकार की मदद से हम अपने युवाओं के साथ हम पूरे कोशिश कर रहे हैं हमारा राज को आगे ले जाने के लिए। एमएलए पानीताराम ने युवाओं से अपील की है कि भारत के विकास के लिए उन्हें गरीबी और अशिक्षा से लड़ना होगा। पानीताराम ने ये भी कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनको साथ लिए बिना हम प्रगति का सपना नहीं देख सकते। मैं समझता हूँ कि राजनीति और सामाजिक में जितना भी हमारे जो यूथ है उनको हम शामिल करना चाहिए, देश के लिए काम करने के लिए मौका देना चाहिए। दूसरी बात है कि युवा जितना भी जो अभी अनएम्प्लॉयड है उनको उनका लिविंग स्टैंडर्ड को हमको बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा देश का जो पॉवर्टी है वो एलिमिनेट इराडिकेट हो सके और देश आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि पुणे की वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्र संसद के अधिवेशन का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और युवा और खेल केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया, जबकि एमएलए पानीताराम ने पुरस्कार यूनिवर्सिटी के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की मौजूदगी में तेलंगाना के स्पीकर के स्वामी गौड़ के हाथों से स्वीकार किया। पुणे से अजय किशोर झा की रिपोर्ट, ANN।